देखिए, जिस तरह से सकारात्मक कदम प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप देखिए कि मेरा ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार चार मंत्रियों को मनोनीत किया गया है कि वो चार जगहों पे जाएं। मिस्टर रिजवी हैं, फिर जनरल वीके सिंह हैं, तो चार मंत्रियों को मनोनीत किया गया है। सबसे बड़ी बात उपलब्धि हिंदुस्तान सरकार की ये है कि जहां यूएसए ने हाथ खड़ा कर दिया, चाइना ने हाथ खड़ा कर दिया, पाकिस्तान तो किसी को संपर्क ही नहीं कर रहा है कि राम भरोसे तुम तो मरना मरो, तो जब विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका वो इवैक्यूएशन करने में पूर्ण रूप से असफल है, हिंदुस्तान ने तो कितने लोग को अभी इवैक्यूएट कर दिया। और ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस इतना आसान नहीं था। सरकार ने एडवाइजरी इशू किया, एडवाइजरी देने के बाद जब परिस्थिति गंभीर होती शुरू हो गई तो सरकार ने मिस्टर पुतिन से भी बात किया, मोदी सरकार ने, और फिर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी बात किया। दो अपोजिट कैंप में हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और दोनों से मोदी जी ने बात किया कि हमको चाहिए सिक्योरिटी कवर अपने बच्चों के लिए। तो अभी ये देखिए कि तिरंगा उठा के बच्चे जहाँ भी यूक्रेन में जा रहे हैं उनको कोई छू नहीं रहा है, और बस में रशियन ऑफिसर हमारे बच्चों को एकम्पनी कर रहे हैं। ये छोटी बात है, रशियन ऑफिसर, रिपीट कर रहा हूँ, बसेस में हमारे बच्चों को एकम्पनी कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, और पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, पूरे विश्व में सब लोग फेल हो गए, मोदी सरकार फेल नहीं हुई। हम ही एक देश हैं जो हम सफलतापूर्वक इवैक्यूएट करवा रहे हैं, और तिरंगा का सम्मान हो रहा है, तिरंगा देख के कोई फायर नहीं कर रहा है।